यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस की बेटी का परिवार रात करीब 11 बजे वापस हाथरस लौट आया है। परिवार पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में वापस लौटा। लखनऊ में कल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पीड़ित परिवार पेश हुआ, अपनी बातों को रखा, अपने बयान दर्ज करवाए। इसके लिए ये परिवार कल सुबह ही निकला था, करीब 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच में परिवार के साथ जो अधिकारी गए, नोडल अधिकारी गए, एसडीएम गए थे, वो वापस लौटे और उन्होंने बताया कि परिवार की सुरक्षा और उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया, बेसिक सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने मीडिया के शव को दिखाए बिना ही चलाए जाने के संबंध में सारी बातें न्यायालय को बताई है। उनकी माने तो कोर्ट ने डीएम को फटकार लगाई। हाथरस केस की सुनवाई के लिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बैठी तो यूपी सरकार और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कटघरे में थे और सामने खड़ा था पीड़िता का परिवार। अदालत ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और तत्कालीन एसपी विक्रांत वीर को तलब किया था। जैसे ही सुनवाई हुई, अदालत के सवाल पर पीड़ित परिवार का दर्द छलक पड़ा। परिवार ने बताया, हमारी मर्जी के बगैर रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार का कोई भी साथ में मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ गांव वालों को बुलाकर वहां पर गोबर के उपले रखवा दिए गए थे, जबकि हम चाहते थे कि अंतिम संस्कार सुबह 5 बजे के बाद किया जाए। परिवार को अपनी बेटी का चेहरा देखने का एक अंतिम मौका भी नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा, अगर आपकी बेटी होती तो क्या बिना चेहरा देखे उसका अंतिम संस्कार होने देते? कोर्ट बहुत ही नाराज है कि इस तरीके से, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी आपको ठीक रखना है तब भी आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार को भी कड़ी फटकार लगाई। जिस अंतिम संस्कार में गंगा जल का इस्तेमाल होता है उसमें आपने केरोसिन तेल और पेट्रोल का इस्तेमाल कर शव जलाया, यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। अपने बचाव में डीएम प्रवीण कुमार ने दलील दी, वहां काफी लोग जमा थे, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका की वजह से रात में अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। पीड़िता के परिवार ने डीएम के इस दावे का भी जोरदार तरीके से विरोध किया, कहा उस दौरान वहां पर 200 से 300 पुलिस वाले थे और गांव के सिर्फ 50 से 60 लोग मौजूद थे। ऐसे में डीएम का ये कहना कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी गलत है। ये सारी चीजें जो इन्होंने झूठ बोली हैं स्टेट के तरफ से, जो भी डीएम ने बोली हैं, ये सारी चीजें वीडियो के थ्रू जो भी वीडियोज बनाए गए सामने आएंगी और सारा कोर्ट उसको देखेगा और एप्रोप्रिएट आई थिंक मुझे लगता है कि एक्शन लिया। कोर्ट में पीड़िता की भाभी ने डीएम प्रवीण कुमार के इस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें वो परिवार से कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर तुम्हारी बेटी कोरोना से मर जाती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। बोला था मैम, उन्होंने यही बोला कि कोरोना से मरती तो इतना मुआवजा नहीं मिलता आपकी कुछ। आपने सुना अपने कान से डीएम ने बोला? जी मैं यहीं खड़ा था, मैंने उन्हें तुरंत रोका, उनके हाथ जोड़े कि सर आप जिला अधिकारी हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसे अपशब्द मत बोलिए। तो उनके साइड में बैठे एसपी बोलते हैं ये कोई अपशब्द नहीं होते, हम आपको नसीहत दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के तीखे सवालों के आगे अफसरों की बोलती बंद थी। क्या वो अभी भी अपने उसी रुख पर कायम है कि हाँ हमने परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार किया था, अभी भी वो यही कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन जज साहब कर रहे हैं तो उनके पास स्पीच लेस है, आंसर लेस है, क्योंकि परिवार की मर्जी से नहीं किया। अब 2 नवंबर को इस केस की अगली सुनवाई होगी। प्रशासन को कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। परिवार ने अदालत से CBI की जाँच रिपोर्ट गोपनीय रखने की भी मांग की है, जिसे मान लिया गया है।